जो हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं विटिलिगो या सफ़ेद दाग, जिनको सफ़ेद दाग भी कहा जाता है। और वो एक्चुअली मेरा चैनल पे ऑलरेडी मैंने विटिलिगो की लेके मैंने बात किया। फिर से मैंने इसलिए बात कर रहा हूँ, जिस टाइम मैंने विटिलिगो लेके मैंने बात किया, इस टाइम मेरा चैनल पे लगभग 0 सब्सक्राइबर थे। और आज मेरा चैनल पे आप लोग भी बहुत सारा प्यार मिला। और विटिलिगो लेके मैंने इसलिए सोचा कि फिर से मुझे विटिलिगो लेके आप लोगों के साथ बात करने का ज़रूरत है, क्योंकि विटिलिगो आज ऐसा बीमारी स्टेज पहुँच गया जो लोग क्या समझते हैं, विटिलिगो एक बहुत बड़ा बीमारी समझ लेते हैं। जो लोगों को सफ़ेद दाग हो जाता है ना, पूरी सोसाइटी के लोग उनको एक नेगेटिव सोच में देखते हैं, वो भी समझते हैं उनको बहुत बड़ा बीमारी हो गया। और लोग समझते हैं एक दूसरे में आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है, स्किन टू स्किन कंटैक्ट की मदद से एक दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। ये जो गलत फहमी है उनको मैंने पूरी क्लियर करने के लिए मैंने विटिलिगो लेके मैं फिर से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि विटिलिगो ऐसा एक बीमारी है, वो इतना बड़ा बीमारी नहीं है, लेकिन लोगों की सोच में ऐसा बड़ा बीमारी पैदा हो जाता है ना, ऐसा सोच आ जाता है लोगों के मन में, जिनको होता है वो भी एक बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। और वो चूट के जो लोग होता है ना, उनको भी ऐसा सोच होता है कि विटिलिगो की वजह से उनको टच करना सही नहीं है, उनकी वजह से मुझे भी हो जाएगा, और स्किन टू स्किन कंटैक्ट की मदद से वो भी हो जाएगा। तो ये जो डाउट है उनको मैं आज पूरी क्लियर करने वाला हूँ। देखिए विटिलिगो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को विटिलिगो को समझने से पहले या सफ़ेद दाग का समझने से पहले छोटी सी एग्जांपल हम लोगों को समझने का जरूरत है। देखिए हमारा हर लोगों की स्किन कलर होता है, किसी की ब्लैक होता है और किसी की व्हाइट होता है। जो कॉमन जो स्किन कलर होता है, किसी की क्या होता है, पूरी ब्लैक हो जाता है और किसी की व्हाइट हो जाता है। ये जो वजह होता है ना, इस वजह की वजह से विटिलिगो या सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम होता है। मान लो हमारा बॉडी में जो मेलानोसाइट सेल होता है, हर लोगों की बॉडी में मेलानोसाइट सेल होता है। जैसे माना जाता है कि जैसे मान लो अफ्रीका की जो लोग होता है उनकी जो स्किन की कलर होता है पूरी ब्लैक होता है, और हमारा यहाँ का लोगों की जो हिंदुस्तान की मान लो ऐसा जैसे कंट्री है, लोगों की स्किन की कलर व्हाइट होता है। ये जो वजह होता है ना, ये लोगों की स्किन की मेलानोसाइट सेल की वजह से होता है। हर लोगों में मेलानोसाइट कुछ सेल होता है, जो मेलानोसाइट सेल मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। लोगों की बॉडी में मेलानोसाइट सेल होता है और ये मेलानोसाइट सेल मेलानिन पिगमेंट क्रिएट करता है। और ये जो मेलानोसाइट सेल जितना ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट क्रिएट करता है, इतना लोगों की कलर ब्लैक होता है। और जितना कम मेलानिन पिगमेंट मेलानोसाइट सेल जितना कम मेलानिन पिगमेंट क्रिएट करते हैं ना, इतना लोगों की कलर व्हाइट होता है। यह मेन वजह। और जब कोई भी रीजन की वजह से, कोई भी कारण की वजह से, मान लो ज़्यादातर केस में ना जेनेटिक रीजन होता है, जो मेलानोसाइट सेल होता है वो स्टॉप कर देते हैं, जो मेलानिन पिगमेंट होता है उनको प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देते। और मान लो कोई भी कारण की वजह से जो स्किन बर्न पूछ गया, स्किन में बहुत ज़्यादा काट पूछ गया, बहुत ज़्यादा इंजरी पूछ गया, इसकी वजह से क्या होता है, जो मेलानोसाइट सेल होता है वो डेड हो जाता है। और डेड होने की वजह से वो मेलानोसाइट सेल मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करता है, और जिस प्रोड्यूस स्टॉप करने की वजह से हमारा स्किन की कलर व्हाइट हो जाता है। और ये जो व्हाइट होने की जो प्रॉब्लम है उनको कहा जाता है विटिलिगो या सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम। विटिलिगो या सफ़ेद दाग की बहुत ज़्यादा स्टेज भी होता है, स्टेज 1, 2, 3 ऐसा माना जाता है। लेकिन विटिलिगो की क्रॉनिक लास्ट स्टेज में उनकी ट्रीटमेंट करना बहुत टॉप मेटर हो जाता है, उनकी जो एक्सपेंडिचर होता है वो कॉस्टली हो जाता है। उनकी ट्रीटमेंट का प्राइमरी स्टेज में उनको ट्रीटमेंट करने का जरूरत होता है, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए खास करके स्टेरॉयड दवा का जरूरत होता है, स्टेरॉयड ऑइंटमेंट होता है, और स्टेरॉयड इंजेक्शन भी कभी यूज करने का जरूरत होता है, और बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड ओरल पिल का भी जरूरत होता है। स्टेरॉयड की मदद से उनकी ट्रीटमेंट किया जाता है, जो मेलानोसाइट सेल होता है डेड हो जाता है, और डाइट की सप्लीमेंट करने का जरूरत होता है। और विटिलिगो के लिए कौन सा डाइट करने का जरूरत है उनको लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज की जो मेरा मकसद है कि विटिलिगो जो बीमारी है उनको, वो कोई भी बड़ा बीमारी नहीं है, उनकी वजह से एक दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होता है। सिंपली जो बात होता है ना, जो मेलानोसाइट सेल स्किन की जो मेलानोसाइट सेल है वो मेलानोसाइट सेल मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी होता है। और ये बीमारी की वजह से हम लोगों को इतना मानसिक रूप से परेशानी होने का कोई भी जरूरत नहीं है, वो हमारा लाइफ में जो जिंदगी में कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, उनकी वजह से हमारा जिंदगी में लाइफ थ्रेटनिंग कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, जिसकी वजह से खास करके जो कोई भी सिम्टम ऐसा फील हो रहा है हमारा बॉडी में, बॉडी भी कोई भी पार्ट में ऐसा फील हो रहा है
कि हमारा विटिलिगो जैसा होने का चांस हो रहा है, जो बॉडी की सफेद दाग होने का कोई भी चांस हो रहा है, तो इंस्टेंट किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का जरूरत है। डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद मेनली जो टेस्ट हो रहा है, डॉक्टर उनके साथ फिजिकली एग्जामिन करते हैं, और फिजिकली एग्जामिन करने के बाद वो डिसाइड करते हैं वो विटिलिगो या कोई बीमारी, दूसरा कोई बीमारी है। और विटिलिगो होने के बाद डॉक्टर जब डिसाइड कर लेते हैं ना, तब उनके साथ रेडियोथेरापी, कैमोथेरापी, बहुत कुछ थेरापी होता है, और इस थेरापी की मदद से उनको क्या क्योर किया जाता है, और प्राइमरी स्टेज पे ओरल पिल से भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो होने से पहले फर्स्ट स्टेज में हम लोगों को किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का जरूरत है। ये जो अपनी सोसाइटी के लोगों को भी उनको लेके कोई नेगेटिव सोच में आने का जरूरत नहीं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है मेरा हिसाब के मुताबिक और लोगों के पास जानने का जरूरत है। ये जो वीडियो है आप लोग और लोगों के पास शेयर कर देना, क्योंकि ये जो बेसिक जानकारी मेरा हिसाब के मुताबिक सबको होना चाहिए। फिर भी आप लोगों को मेरा लैंग्वेज समझने में कोई भी तकलीफ हो रहा है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंटों का रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा, और मेरा जो लैंग्वेज है और आसान भाषा में मैं आप लोगों से शेयर करने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।